पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप 15 साल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ज्ञानेश्वरी और स्पिरिचुअल जो ये साइंस का एक साथ आपने ये जो अगर आप कर सके तो आप म्यूजिक चला दीजिए, वरना हम आंख बंद करके ये जो बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया है उसको मन में आत्मसात करते हुए आंखें बंद करेंगे और हम ध्यान करेंगे। ओके मास्टर, ध्यान सत्र शुरू करते हैं। जिसे 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने खुद अपना कर उसी का अनुभव पूरी दुनिया के साथ साझा किया, पितामह ब्रह्म से 3540 साल पहले से यही ध्यान का प्रचार और प्रसार ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रहे हैं और उनके जरिए हमारे और यह ध्यान पहुंचा जिसका नाम है आनापानसति ध्यान। ध्यान सत्र शुरू करने के पहले थोड़ा पानी पीना जरूरी है। जिनके पास पिरामिड कैप है, पिरामिड कैप पहनेंगे। आंखों पे चश्मे हैं, चश्मे उतार दीजिए। जो कुर्सी या सोफे पे बैठे हैं वो पैर क्रॉस करते हुए बैठेंगे। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे। ध्यान कंप्लीट होने तक आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है मास्टर। शुरू करते हैं आनापानसति ध्यान। नासिका द्वारा सांसों का अंदर आना इसे आन कहते हैं। नासिका द्वारा सांसों का बाहर जाना उसे अपान कहते हैं। और इस सांसों के आवन जावन के साथ जुड़ने को सति कहते हैं। पाली भाषा में इसे आनापान सति ध्यान कहते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, विचार आएंगे वैसे चले भी जाएंगे। ना हमें उनको रिस्पॉन्स देना है, ना रिएक्ट होना है, तो विचार अपने आप चले जाते हैं। तो सांसों के साथ जुड़ने का रास्ता खुला कर देते हैं। सांस ही हमारी परम मित्र है मास्टर। 24 घंटे, 365 दिन, दिन रात हमारे लिए बिना रुके बिना थके हमें इस खूबसूरत जीवन प्रदान कर रहे हैं। चर्म चक्षु बंद होते हैं तो मन चक्षु खुलते हैं। मन चक्षु में जो सूक्ष्म चेतना होती है उसी के जरिए हमें सांसों की आवन जावन को महसूस करना है मास्टर।
बाहर की दुनिया का संपर्क बिल्कुल टूट जाता है। सांसों के साथ जुड़ने से कोई भी दृश्य और चित्र सामने नहीं आता, इसे निर्विषय ध्यान कहते हैं मास्टर। जितना अधिक सजग होकर सांसों को महसूस करोगे, उतने विचार अपने आप कम होने लगते हैं। सजगता यह बिल्ली है, विचार यह चूहे है। बिल्ली आने से चूहे भाग जाते हैं, इतना महत्व ध्यान में सजगता को है मास्टर। इसलिए सजगता ही ध्यान की मास्टर की है। सजग रहना यानी बिल्कुल होश में रहना। संयम और सदाचारी साधक हमेशा होश में जीता है। आखिरी 3 मिनट मास्टर। सांसों को महसूस करते करते बिल्कुल घुल मिल जाना है। जिनका मन सांसों के साथ घुल मिल जाता है, उनका मन जल्द से जल्द शून्य बन जाता है। इसीलिए सांसों के साथ दोस्ती सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। सांसों के साथ दोस्ती करते हैं वो अच्छे ध्यानी बन जाते हैं,
जो मस्ती करते वो अच्छे योगी बन जाते हैं। फैसला आपका है क्योंकि सांसें आपकी है। आखिरी 2 मिनट। एक मिनट में 15 सांसें हम लेते हैं। जितना अधिक ध्यान करोगे उतनी सांसों की संख्या कम होने लगती है मास्टर। जितनी सांसें ज्यादा उतनी उम्र कम, जितनी सांसें कम उतनी हमें उम्र ज्यादा मिलती है। इसलिए जिंदगी लंबी भी होनी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए। आखिरी 1 मिनट। बी वन विद द ब्रेथ, ब्रेथ विल वन विद यू। बिल्कुल एक होना है सांसों के साथ। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने हाथों को आंखों पर रखिए मास्टर 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखों को हाथों के अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता नन्हे बालक की तरह आहिस्ता 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 खोलते हुए हाथों को हटाकर बिल्कुल पूरी तरह से अपनी आंखें खोलिए मास्टर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस ध्यान सत्र को आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान किया, इसलिए स्पिरिचुअल स्पाइरल परिवार की ओर से आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम सद्गुरु गजानन महाराज अटक, महावीर भगवान गौतम बुद्ध संत ज्ञान देव अवतार बाबा जी ब्रह्मचि पितामह पत्रीसर और जिस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरण कमलों में सविनय समर्पित करता हूँ और इस सेवा को यही प्यार दे विराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर नमस्ते सर। बहुत बहुत आप मैं आप सभी के सभी की तरफ से हम सभी की तरफ से आज काफी लोग जुड़ नहीं पाए हैं, सभी की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारा ये छोटा निवेदन स्वीकार किया और यहाँ पर आए। और इतनी ऐसा ध्यान मैंने बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसे गहरा ध्यान किया है और म्यूजिक भी नहीं था, आपकी आवाज से ही वो हम चले गए। तो मैं आज अपने साथियों को मौका दूंगी। मेरा तो बस जैसे रीता मैम ने कहा कि आपकी जो जर्नी है वही के बारे में जानना होगा, लेकिन कुछ और जैसे पद्मा जी या अन्नपूर्णा मैम जो जुड़े हैं वो आपसे कुछ जरूर पूछना चाहेंगे या बताना चाहेंगे, मैं उनको पहले मौका दूंगी। प्लीज यस अनम्यूट कीजिएगा। और सर को बहुत ज्यादा 15 सालों का ज्ञान है, पत्री जी के साथ उन्होंने साथ काम किया है
तो आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ हो ध्यान रिलेटेड? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा मैम, आज सर को हमारे प्लेटफॉर्म में सर आए और इतनी इतनी अब मेरे पास शब्द नहीं है, इतने अच्छा ज्ञान। वो था टॉपिक विक्रमादित्य का, लेकिन उसमें पूरा पूरा का सार आ गया। पत्री जी की भी बात है, विक्रमादित्य की भी है, तो जैसे बैलेंसिंग करके जीना है फिजिकल लाइफ और आध्यात्मिक लाइफ। सर ने जो भी बात बताया उसमें हर एक चीज अनमोल है। हम सभी के लिए दिल से धन्यवाद निकल रहा है। और ध्यान भी आज मैंने अलग से बैठ के किया, मैं रोज कुर्सी में करती थी, मैंने कहा नहीं सर करवा रहे, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं शारीरिक रूप से थोड़ा आज अभी एक दो दिन से फिर से कमजोर हो रही, तो मेरे को जरूरत थी, सर ने ऊर्जा भर दी। कहने को तो बहुत कुछ है, सर को और भी बुलाइए इस प्लेटफॉर्म में और सुनना चाहेंगे। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, जी मैम, जी धन्यवाद 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 प्लीज, अनुराधा। थैंक यू थैंक यू। और कोई अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें प्लीज। रीटा मैम, आप 2 शब्द कहें। मैं सर आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपके ज्ञान के आगे हम बिल्कुल बहुत मतलब अभी जूनियर लेवल पे हैं, और आपने जो ज्ञान दिया मैं कहती हूँ मतलब कहाँ तक अंदर तक चला गया। और आज का ध्यान सचमुच बहुत बहुत डीप था, बहुत मजा आया। तो सर मैं तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे पास तो शब्द नहीं है मैं आपके बारे में कुछ भी कह सकूं, और मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जरूर आते रहिए और अपना ज्ञान देते रहिए। मुझे मालूम है कि आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आप पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म्स पे रोज जाते हैं, तो जब भी आपको समय मिले हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जरूर आइए, हम सब आपके ज्ञान को पाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। और धन्यवाद आपने धन्यवाद कहा कि हाँ, आपकी हमारी आज त्रुटियां रह गई, क्योंकि आज ना मैं अपने लैपटॉप पे हूँ और जगह भी अलग सी है, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ माफी चाहती हूँ। बाकी सर, आप या आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया तो बहुत अच्छा। यहाँ पर अवनी मैम भी आए थे, तब भी हमने उनके साथ ध्यान किया था, तो वो अलग लेवल पे था। और आपके साथ भी सर बहुत अच्छा लगा मुझे। सर, अगर आपको अगर अगर आपके पास समय हो तो आप पत्री जी से मिले हैं तो उसके बारे में, या ऐसा जो आपने शुरुआत में कहा कि ऑटो राइटिंग, तो कैसे आपको ऑटो राइटिंग आ गई, या कुछ इस तरह से, या हमें कोई कैसे कर सकेंगे ऑटो राइटिंग, या जो आपके मन में हो सर, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं सर, सभी स्टूडेंट हैं हम ये यहाँ पर। ऑटो राइटिंग है ना, मैं एक नासिक में गया था और हाँ सर, नासिक मैं में रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी, अगर ऐसा कोई बात है मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं, आपकी मर्जी। हाँ, अच्छा फिर चलने दीजिए सर। हाँ मैं एक चलने बार दीजिए नासिक सर। में गया था। हाँ नासिक में अवतार मेहर बाबा, आपने नाम सुना होगा मेहर बाबा हाँ का। नाम हाँ, तो सुना है सर। हाँ तो मेहर बाबा की वहाँ पे एक समाधि है, वहाँ पे गया था और वहाँ पे मुझे किताब मिली। वो किताब मैंने पढ़ी, वो किताब में से मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि मेहर बाबा के जो भी जितने भी अनुयायी है, भक्त है, फॉलोअर्स है, वो ऑटो राइटिंग करते थे और उनको अलग अलग जो है लैंग्वेज के माध्यम से, देर इज नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज, मातृभाषा का कोई लैंग्वेज में बैरियर नहीं रखता, सिर्फ हमें एक्चुअली जोक देना पड़ता है उस प्रवाह में, फ्लो में। तो उससे मैंने क्या किया, वो पढ़ पढ़ के मैंने भी एक्चुअली शुरू किया, और शुरू किया तो शुरू करने के बाद में वो जो मेरा जो सिर्फ हाथ जो है, पूरा शरीर जो है ना, वो स्टैचू बना होता था और मेरा सिर्फ हाथ चलता था और ये मैंने मिराकल देखा। अरे ये तो सही में काम कर रहा है, ये तो सही में हो रहा है, ये तो सिर्फ कही का सुनाई बातें नहीं है या किताबी बातें नहीं। कभी कभी हम लोग किताब पढ़ते हैं तो हमारा पूरा विश्वास नहीं होता उसके ऊपर पढ़ने के बाद में, तो हमें अमल करना चाहिए अनुभव के लिए। तो मैंने वो अनुभव किया और उसके जरिए फिर मुझे मेरे जो आंसर जो है वो आंसर मिलने लगे, और जो आंसर जो है मेरे परम सद्गुरु, जो मैं 1992 से 94 तक जिनके साथ में मैं जुड़ा था, और उनका पूरा जीवन जो है अंतर बाह्य जो है ज्ञानेश्वरी गीता में हुआ था, ऐसे महात्मा के साथ में, आत्मज्ञानी विदेही महात्मा के साथ में मैं रहा, जो गृहस्थी थे फिर भी
वो बहुत पहुंचे हुए हस्ती थे, इसलिए दिन रात उनका मैंने उन्हें मुझे सुनने को मिला, मुझे श्रवण करने के लिए मिला। आज श्रावण महीने का पहला दिन है, श्रावण यानी श्रवण, श्रावण महीने में ज्यादा श्रवण करना चाहिए, मुझे वो याद आ गई, इसलिए मैंने बहुत कुछ श्रवण किया है। मैंने पढ़ा कम है लेकिन श्रवण बहुत अच्छा लगता है, और श्रवण मैंने बहुत कुछ किया है, और वो जो श्रवण का जो लाभ है वो अनेक गुरु, सदगुरु, महागुरु, महात्मा, मेंटोर, इंस्पिरेटर और बहुत बहुत सारे जो लोग हैं, ध्यानी, ज्ञानी, बहुत सारे जो लोग हैं, उनको मैं सुनता गया, सुनता गया, सुनता मैं, और सुनकर मैंने क्या कर दिया, मेरा गोडाउन है ना भर दिया, इस ज्ञान और ध्यान से भर दिया है, और ये गोडाउन अभी खाली करने का काम चालू है, क्योंकि ये मेरा नहीं है ना, जिसका है उनको देना है, मुझे यूनिवर्स ने दिया है तो यूनिवर्स को फिर से लौटाना है, और अभी ये मैं लौटा रहा हूँ। ऐसे वो ऑटो राइटिंग जो है ना, ऑटो राइटिंग जो लिखता है ना, वो लिखने वाले को ही वो क्या लिखा है वो पता चलता है, किसी दूसरे को अगर पढ़ने देंगे तो नहीं पता चलता, क्योंकि वो रैंडमली लिखता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं स्कूल में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखते हैं, वैसा नहीं होता, वो इत्मीनान से नहीं होता, वो फ्लो से होता है, वो फ्लो ही अपने हाथों से काम कर देता है, वो इसे ऑटो राइटिंग करते हैं कहते हैं, और वो कोई भी कर सकता है, मगर जो ध्यानी जिसकी शून्य अवस्था हो गई है उसको तो जल्दी उसका अनुभव आ सकता है, वो कर सकता है, मगर उसे किसी किसी एंजल से या किसी महात्मा से, किसी सद्गुरु से जिसके साथ उसका लगाव है हार्ट टू हार्ट, उसे अगर जुड़ना है, अगर आपको जुड़ने आ गया तो आपको ये जो ऑटो राइटिंग है ना वो एकदम इजी हो जाती है, इसके लिए इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। किसी एक महात्मा, एक गुरु, एक सद्गुरु, एक परम गुरु जिससे आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रखते हैं, उसके जरिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि मेहर बाबा के जो फॉलोअर है, जो उनके शिष्य है, उनके अनुयायी है, उनसे उनके साथ में जुड़े जुड़े रहते थे हमेशा, इसलिए उनको जो है उनका संदेश, क्योंकि मेहर बाबा के फॉलोअर है ना बहुत सारे है ना, मैक्सिमम एक्चुअली फॉरेनर्स होते थे, और फॉरेनर लोगों ने ये सब एक्चुअली मेहर बाबा का जो है वो जो नाम जो है वो लोगों में फेमस प्रचलित किया। किया इस ऑटो राइटिंग के माध्यम से। हाँ ऐसी मेरी ऑटो राइटिंग की जर्नी, और कुछ जी नहीं सर, अब मैं क्या बताऊं। पर सर आप कौन कौन से, मतलब जैसे आपके मन में आता है तो आप जो आपके पर्सनल तो क्वेश्चन वो तो ठीक है, लेकिन जैसे वृंदा मैम या जैसे सी अरुणा जी, वो ह्यूमैनिटी के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑटो राइटिंग करते हैं, तो उस तरह भी आपने कुछ ऐसे प्रयोग किए? ऐसे किसी को सिखाने का प्रयोग नहीं किया था अच्छा मैंने, एक्चुअली अच्छा इंडिविजुअल खुद अच्छा के लिए अनुभव के लिए किया, कि सच अच्छा में अच्छा यह अनुभव आने के बाद में ही हम जी लोगों को बता सकते हैं, तो इसके लिए मैंने किया, डाउजिंग किया, ऑटो राइटिंग किया, प्लैंचेट किया, बहुत कुछ किया हाँ सर, 15 सालों में तो आपने बहुत कुछ किया होगा। हाँ सर, बहुत कुछ सर किया। और आपकी मुस्कुराहट और आप में एक जो एक भाव है बहुत ही जैसे कि स्लो एंड स्टडी वाला भाव जो है, उससे शायद हमारा ध्यान बहुत ही गहरा हुआ। तो मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ कि अब बड़ी सभा नहीं रही, पर आगे मैं जरूर प्रयास करूंगी कि बड़ी सभा में आपको बुलाया जाए और किसी एक इसी जैसे ऑटो राइटिंग या जो आपका प्रिय सब्जेक्ट है उस पर आप बोले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए और हम लोग को आपने ये संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद, स्पिरिचुअल स्पाइरल ग्रुप में मुझे निमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और इसे धन्यवाद, ही याद थैंक यू करते सो मच, रहिए। धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू।